दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 सवाल तय किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा है। सुजाता हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। ओवर टू यू सुजाता। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए। अंतरिम जमानत मिलने का मतलब है ईडी को झटका है, क्योंकि इस गिरफ्तारी को अवैध बताया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अब इस मामले में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से कि जब तक इस मामले को बड़ी बेंच सुनेगी, तब तक अंतरिम राहत हम देते हैं अरविंद केजरीवाल को। यह बहुत बड़ी राहत है और इस केस में अब नई दिशा तय हो सकती है, क्योंकि एक फैसला नजीर बनता है बाकी फैसलों के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल को। 21 मार्च को इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की, और ईडी ने कहा था कि वो सरगना है। सीबीआई भी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे घोटाले के सरगना है। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है। पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को राहत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत पर रोक लगा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, अब इस मामले पर तस्वीर साफ हो गई है कि अंतरिम जमानत मिल गई है। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मामला बड़ी बेंच में होगा। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, किस तरह से इस अंतरिम जमानत का विरोध कर सकेगी ईडी? देखिए, ईडी के पास मौका होगा, क्योंकि बड़ी बेंच को ये भेजा जाएगा मामला, और इसीलिए जाहिर तौर पर ईडी के सामने मौका है, क्योंकि ईडी ये कह रही है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेकर भी बहुत सारे सबूत उसने जुटा लिए हैं, और तमाम जो तफ्तीश है 2 साल की उसमें क्या कुछ हुआ, तमाम जो कड़ियां हैं जोड़ ली गई हैं। गोवा के चुनाव में पैसा खर्च हुआ, किस तरह से विनोद चौहान नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आया जिस पर ये आरोप है कि उसने पैसा डिलीवर किया था, और 50 करोड़ से ज्यादा का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जो मामला है वो सबूत के तौर पर पेश कर चुकी है ईडी। तमाम चीजें जो ईडी ने कही है। ईडी के पास मौका होगा, लेकिन फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल की राहत है। और अब ईडी को यह देखना होगा कि जो बड़ी बेंच होगी उसमें कब सुनवाई होती है, कितने दिन में सुनवाई होती है, और ऐसा क्या नया ईडी अपनी तरफ से दिखा पाती है जिससे ऐसा लगे कि ईडी का पक्ष ज्यादा मजबूत है। क्योंकि आपको याद होगा ट्रायल कोर्ट ने ईडी के ही केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी सेक्शन 45 के तहत, यानी आप इतने समय में कोई सबूत, प्रत्यक्ष सबूत आरोपी के खिलाफ पेश नहीं कर पाए। हालांकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है जिसमें 17 तारीख को फिर से सुनवाई होने वाली है, लेकिन इस बीच जो ओरिजिनल मामला था, यानी 21 मार्च को जो ईडी ने गिरफ्तारी की, अरविंद केजरीवाल ने उस गिरफ्तारी को ही चुनौती दी थी, अवैध बताया था। 15 अप्रैल को, 9 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को इस मामले में नोटिस दिया गया था। 17 मई को अंतिम सुनवाई हुई थी जब सुरक्षित रखा गया था फैसला, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां हो गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल चुनाव प्रचार के लिए भी मिली थी, जब वो 2 जून को वापस उन्होंने सरेंडर किया था और वो वापस जेल गए थे। बाद में ट्रायल कोर्ट से उन्हें तो मिली, लेकिन हाई कोर्ट में उस पर स्टे लग गया। तो अब सीबीआई का मामला भी है, लेकिन ईडी के केस में फिलहाल बड़ी राहत है। और यह समझना जरूरी है कि जब एक जो मामला है उसमें, क्योंकि ज्यादा जो जटिल मामला है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नियम है, नियम कानून जो है, वो ईडी के पीएमएलए के मामले में ज्यादा कठिन होता है जमानत पाना। इसीलिए अगर ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को यह राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, तो यह जाहिर तौर पर आगे अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष है वो मजबूत करेगा। और इसका अरविंद केजरीवाल का पक्ष मजबूत होगा। इसके पहले संजय सिंह को जमानत मिली, संजय सिंह जेल से बाहर आए, अंतरिम जमानत दूसरी बार मिली अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव प्रचार के लिए उनको राहत मिली थी। अब सबकी नजरें मनीष सिसोदिया पर होंगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के पहले से जेल में है वो, और इसी मामले में। जी, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। दरअसल देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जो मामला है वो बिल्कुल अलग अलग है। इस पूरे मामले में जो पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई थी वो मनीष सिसोदिया की थी। मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्रालय देख रहे थे, जितनी भी पॉलिसीज बनी उसमें वो साइन कर रहे थे, तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। इसी वजह से उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस पूरे मामले में जमानत पाना, इसीलिए उन्हें एक बार भी 2 सालों में जमानत नहीं मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला थोड़ा सा अलग है। अरविंद केजरीवाल
कोई मंत्रालय नहीं संभाल रहे थे, आबकारी नीतियों में उन्होंने कहा कि डायरेक्शन मैंने दी थी कि कैसी पॉलिसीज बनानी है, लेकिन क्योंकि लिकर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी उन पर नहीं थी, वो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, इसीलिए कोई प्रत्यक्ष लिंक जो था अरविंद केजरीवाल का नहीं हो पाया। हालांकि अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया है और उसके संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। कहा गया है कि जैसे कोई कंपनी अगर कोई भी समझाइएगा, क्योंकि एक तरफ जहां ईडी की तरफ से चार्जशीट तक पेश की गई, इसके अलावा तमाम दलीलें पेश की जा रही हैं, हाई कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी सही ठहरा दी जाती है और अब सुप्रीम कोर्ट से राहत केजरीवाल को मिल गई है, तो आगे कौन से वो रास्ते प्रोसीजर ईडी के सामने होंगे? देखिए, विकल्प तो अरविंद केजरीवाल के सामने होंगे ही जब वो इस मामले में माफ कीजिए ईडी के सामने विकल्प इस मामले में होंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो और मजबूती से अपना दावा पेश कर सकती है, क्योंकि ईडी का ये दावा है कि पिछले कुछ महीनों में उसके पास कई ऐसे सबूत आए हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी आपने जो काला धन कमाया उससे आपने कौन सी संपत्तियां अर्जित की, वहां पर कहां इन्वेस्ट किया, उससे जुड़े सबूत के बारे में बात गई है, होटल का जिक्र भी है कि कहां पर मीटिंग हुई थी, गोवा चुनाव में किस तरह से पैसा ट्रांसफर हुआ था, किसने ये पैसा ट्रांसफर किया था, इन तमाम चीजों का जिक्र ईडी ने कहा कि वो बता चुकी है कि कहां कहां किस तरह।